तो मुझे फोन करता था, भाई किधर है, चल लेट्स गो, घर का सामान ले आते। तो हमेशा मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा, जब मैंने मॉर्निंग में शहबाज को फोन किया, कब शादी कर रहे हो, कब क्या होगा, शहनाज शहनाज पूरी दुनिया में छा गया, पूरे इंडिया के वर्ल्ड में, आप शादी करो, फिर वो हंसने लग जाता था, कहता मयूर भाई बहुत जल्द लोगों को बहुत ही अच्छा दिखेगा। देखिए, मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि सिद्धार्थ मेरे बहुत ही करीबी थे। मैंने सिद्धार्थ के साथ बहुत ही वक्त गुजारा लॉकडाउन में। जब भी लॉकडाउन में कोई सामान लेने जाना था, ग्रोसरी लेने जाना होता था, वाटर कुछ भी, तो मुझे फोन करता था, भाई किधर है, चल लेट्स गो, घर का सामान ले आते। तो हमेशा मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा, जब मैंने मॉर्निंग में शहबाज को फोन किया, तो मैंने कहा शहबाज सिद्धार्थ ठीक है? तो कहता हाँ ठीक है। मैं कहा एक बार चेक कर मुझे जो सुनने में आ रहा है। तो उसने फोन किया, उसने जब 10 मिनट बाद मुझे फोन आया, तो उसने बोला सिद्धार्थ को हार्ट अटैक आ गया। तो उसी वक्त मैं बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था, मेरे पास कुछ शब्द नहीं थे, मेरा बीपी फुल हाई हो गया, मतलब कि चीज डाइजेस्ट ही नहीं हो रही थी, यकीन ही हो रहा था कि ये सच में है। मैं बार बार गूगल सर्च कर रहा था कि ऐसी कोई न्यूज आई है, मैंने कहा नहीं ये फेक हो सकता है। समटाइम होता है कि यार एक कोई कई बारी फेक होती है, मैं बार बार गूगल देख रहा है, नहीं आई नहीं आई नहीं है, मैं देख रहा। सडनली जब सारी जगह आनी शुरू हुई, तो मैं शॉक हो गया, क्योंकि सिद्धार्थ इतना फिट, मेरे साथ जिम करता था, हम जिम साथ में करते थे, कभी कोई चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमेशा वो मुझे बड़े भाई की तरह ट्रीट करता था, मुझे गाइड करता था। और जब लॉकडाउन के अंदर हमने इतना वक्त गुजारा, और वो वक्त अभी तक मुझे याद आ रहा है, मेरी गाड़ी में घूमना मिलना, वो समय पूरा याद आ रहा है। एब्सोल्युटली और इसके अलावा जब आपकी आखिरी मुलाकात की बात करें या आखिरी फोन कॉल की बात करें तो वो क्या थी और आप लोगों ने क्या बात की लास्ट जो आपने उनसे बात की? मैं अभी काफी समय से सिद्धार्थ भाई को मिला भी नहीं था, बिकॉज मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं बॉम्बे में भी नहीं था, मैं ट्रैवल कर रहा था, मिला नहीं था। लास्ट जब हम मिले थे, तो वो अपने दिल की सब बात मुझे बताते थे। हम जब गाड़ी में जाते थे, मैं उनको हमेशा छेड़ता था कि हाँ भाई कब शादी कर रहे हो, कब क्या होगा, शहनाज शहनाज पूरी दुनिया में छा गया, पूरे इंडिया के वर्ल्ड में, आप शादी करो, फिर वो हंसने लग जाता था, कहता मयूर भाई बहुत जल्द लोगों को बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो मैंने कहा भाई मैं वेट कर रहा हूँ। तो कहता सिद्धार्थ भाई पता कैसे थे, वो सामने से किसी को नहीं बोलते थे, मेरे से हर बात शेयर कर लेते, बट फिर मैं शहनाज को जाके बोलता था, मैं कहता तू टेंशन ना ले, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, मेरी बात मान, बहुत ही जल्द तेरी शादी हो जाएगी और हम पार्टी में जाएंगे, शादी में डांस करना भी तो बहुत टाइम है, तो टेंशन ना ले। वो सारी बातें मेरे को वही अब रिमेम्बर हो रही है, जब गाड़ी में जाना, हम हफ्ते में 3 से 4 बार मिलते थे, गाड़ी में जाना, घर का सामान लाना, कभी ये करना कभी वो करना, साथ बहुत हमारी मेमोरीज साथ जुड़ी हुई है। वही गाड़ी की मेरे बाजू वाली सीट पे बैठना, मैंने बोला भाई बड़े हो आप ड्राइविंग करो, मैं गाड़ी में बाजू में बैठना, नहीं 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 ऐसा नहीं है यार, मेरे को बताते थे यार तेरा करियर बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही अच्छा है, डरना नहीं है, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। सिद्धार्थ भाई बोलते थे तू भी कर रहा है, बस डुटे रहना, एक ना एक दिन तुझे उसका आंसर मिलेगा। फिर एमएसके में मुझे पूरी सपोर्ट करते थे, जब मैं जाने लगा था तब भी उन्होंने बोला था एमएसके में शनाज सबको बोला कि मुझे एक चांस दे, फिर मुझे बैक स्टेज में उन्होंने इतना समझाया, बहुत अच्छा शो है, बूम करना एक तरह का बिग बॉस ही है। तो बहुत मेरी मेमोरीज जुड़ी हैं, और हमेशा वो मैं उनको बोलता था यार अब कर लो यार शादी कर लो कर लो कर लो, हमेशा मैं उनको बोलता हाँ करूंगा मेरी जान करूंगा करूंगा, टेंशन ना ले, सबसे पहले मैं तुझे ही बताऊंगा। हम बिल्डिंग के नीचे खड़े रहते थे गाड़ी के बाहर, हम बातें ऐसी करते रहते थे 20 20 मिनट लॉकडाउन में भी, क्योंकि बोर हो रहे होते थे। अब उनके करीबी मैं हो गया था, मैं था शहबाज था, हम बातें मारते रहना, भाई आप लॉकडाउन में भी जिम कर रहे हो, पूरे फिट पड़े हो, मतलब कि जब आज ये सुनने में मिला कि सिद्धार्थ भाई नहीं रहे, मतलब कि मेरे पैर से जमीन निकल गई, मतलब कि समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरे लिए क्या कि पूरी दुनिया के लिए के बहुत ही बड़ी बात हो चुकी, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुका था जिसका कोई मुकाबला अब नहीं कर सकता था।
एक बहुत बड़ा लेवल था, क्योंकि अभी वो बिग बॉस OTT में आए, फिर उसके शहनाज के दूसरे शो में आए डांस दीवाने में, तो उनका जो एक लेवल था अब उन्होंने पकड़ बना ली थी। अब वो टीवी क्या, वो मूवीज के अंदर भी अभी अच्छे प्रोजेक्ट आने वाले, जैसे कि एस ऑफ स्पेस में भी वो होस्ट करने वाले थे, इस बार सब कुछ करने वाले थे, गाना भी आने वाले थे उनके, तो उनके सारे प्रोजेक्ट लाइनअप थे। सडनली ये कैसे हुआ ये समझ नहीं आ रहा। और इसके अलावा ये तो शहनाज के लिए फैंस काफी ज्यादा कंडोलेंसेस भेज रहे हैं, और ट्विटर पे शहनाज भी ट्रेंड हो रहा है, और आपने उनके साथ घर के अंदर भी और बाहर भी तो काफी अच्छी आप दोनों की एक बॉन्डिंग दिखी है, फ्रेंडशिप दिखी है, तो शहनाज के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं अभी तो बहुत ही, शहनाज से मेरी बात नहीं है, शहबाज से मेरी कंटिन्यूस बात हो रही है। अभी मैं बॉम्बे में भी नहीं हूँ कि मैं जाके शहनाज के पास पहुंच पाऊँ और उससे बात कर पाऊँ। मैं अभी हिमाचल में आया हूँ जिस कारण मैं नहीं पहुंच पा रहा, बट मैं शहबाज से पूरे टच में हूँ। मैंने बोला शहबाज कोई चीज की टेंशन नहीं लेनी है, जो हो गया सबको बुरा लग रहा है, बट शहनाज को संभाल, मैं अगले हफ्ते पहुंच रहा हूँ। तो जैसे ही मैं लैंड हुआ मैं सबसे पहले शहनाज के पास जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है वो बहुत ही उसको प्यार करती थी, उसके बिना वो रह नहीं सकती थी। अब उसका क्या हाल हो रहा होगा, सिद्धार्थ की फैमिली का क्या हाल हो रहा होगा, मैं सब समझ सकता हूँ। अभी जो चीज चलेगी वो वापस तो नहीं आएंगी, बस वो मेमोरीज हैं जो मेरे जहन में हैं, उनकी फैमिली के जहन में है, शहनाज के साथ जो बहुत ज्यादा मेमोरीज है, जो पूरा वर्ल्ड ट्रेड करता था शहनाज, अभी उसको कुछ बोल नहीं सकते, बट मैं शहनाज के साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ। मैं कल निकल रहा हूँ यहाँ से हिमाचल से, और नेक्स्ट वीक तक मैं बॉम्बे पहुंच जाऊंगा, और मैं शहनाज को सबसे पहले जाके मिलूंगा, और हमेशा सपोर्ट करता था उसको, करता रहूंगा, और अभी भी उसके साथ हूँ जो भी मुश्किल वाला वक्त है। और कोई भी इसको चीज टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसके फैंस भी बहुत टेंशन में, मुझे भी बहुत मैसेज आ रहे हैं। मैं सारों को यही बोलना चाहता हूँ कि सारों को बहुत ही ज्यादा खेद है कि ये जो एक सडनली ये न्यूज आई है ना, ये पूरी दुनिया को हिला चुकी है। सिद्धार्थ शुक्ला की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, दोबारा ऐसा कोई इंसान नहीं आ सकता। सिद्धार्थ शुक्ला एक था, वो एक ही रहेगा। और मेरे साथ तो जो उनकी मेमोरीज इतनी जुड़ी है, शहबाज के साथ जो हमने वक्त गुजारा है, वो वापस नहीं आ सकता, हम उसको वापस नहीं ला सकते। और लास्टली यू नो फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली शहनाज के जो फैन है, सिद्धार्थ के जो फैन है, सबको क्या कुछ देना चाहोगे? देखिए मैं फैंस को तो बस यही बोलूँ कि आप प्लीज आप सिद्धार्थ के लिए प्रे कीजिए, जहाँ पे भी है वो, उसको जन्नत में जगह नसीब हो जहाँ पे भी है। मैं तो सिर्फ यही बोल सकता हूँ, बस मैं फैंस को यही बोलना चाहूंगा कि प्लीज आप हाइपर मत होइए, थोड़ा सा शांत रहिए थोड़ा सा। मैं टीवी भी देख रहा था यहाँ से कि बहुत घर के बाहर रश हो चुका है, तो मैं सबको ये बोलना चाहूंगा कि आप कोरोना के चलते अपने आप को थोड़ा ध्यान रखिए, आप कोई चीज की टेंशन मत लीजिए, बस आप सिद्धार्थ शुक्ला के लिए प्रे कीजिए, जहाँ पे भी है वो बहुत ही अच्छा जाए, भगवान जन्नत में उसको जगह नसीब हो, बस। थैंक यू सो मच।